हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, इसको हम सोल्व करेंगे और इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 3/5 डिवाइड 4/5 मल्टीप्लाई 8/9 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 4/9। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, वी नो दैट सबसे पहले यहाँ पर क्या है, डिवाइड और मल्टीप्लाई दो ही चीजें हैं। तो हमें सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करना है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3/5, और जब हम डिवाइड को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला जो है ये वाला उल्टा हो जाता है, यानी कि 4/5 है तो ये क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 8/9 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पर डिवाइड है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/9 है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा होकर क्या हो जाएगा, ये 9/4। अब चलिए देखते हैं, जब अब यहाँ पर जो कटता है उसको हम काट देंगे, तो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, यहाँ पर 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास क्या बच गया, जो ऊपर हमारे पास बच गया 3 और 5, यानी कि 3 क्रॉस 5, और नीचे हमारे पास बच गया ओनली 2। तो ये क्या आ जाएगा, जब हम 3 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15, और ये क्या हो गया, 2। तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म आ गई, इसको हमने सरल कर दिया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको इजी से समझ में आ जाए। 4/5 डिवाइड 4 × 1/5 मल्टीप्लाई 5/7 डिवाइड 2/7। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास ये क्या है, ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 × 4/5। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी होती है, 2 की हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई की, और फिर प्लस में क्या आ जाता, 4 आ जाता है, प्लस में 4 आ जाता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10 और प्लस 4, तो ये आ गया हमारे पास 5, तो ये होगा 14/5, यानी कि 5 के 2 से मल्टीप्लाई करने और 4 को ऐड करना है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 14/5। तो ये हो गया अब हमारा 2 × 4/5 डिवाइड 4 × 1/5 × 5/7 और डिवाइड 2/7। ये अब किसके इक्वल हो जाएगा, इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 14/5। अब डिवाइड में है तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की 4 से हमें मल्टीप्लाई करनी है तो 5 4 जा 20, 20 में हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 21/5 मल्टीप्लाई 5/7 और डिवाइड 2/7। सबसे पहले हमने जो मिक्स्ड फ्रैक्शन की उसको सोल्व किया, अब हम क्या करेंगे, 14/5 जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये वाला जो होता है ये हमारा उल्टा हो जाता है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा, इंटू में 5/7 इंटू में 7/2। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर सारे जो है मल्टीप्लाई में हो गए, अब हम उसको काट सकते हैं, जो भी कटता है उसको हम काट देंगे, तो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो 14 है, यहाँ पर 21 है, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21। अब इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बचा गया, ऊपर जो है सारे कट गए, ओनली 5 बचा, तो 5 ऊपर आ जाएगा और नीचे जो है डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम सबको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो खत्म करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।